आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अदालत में। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे सुपरस्टार जिनकी फिल्म ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है, एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी है। प्लीज वेलकम गदर के तारा सिंह सनी देओल। आज के हमारी जज हैं लाइफस्टाइल एडिटर फॉर इंडिया टुडे ग्रुप रुचिका मेहता। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज रुचिका मेहता की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे हमारे सुपरस्टार सनी देओल पर, एक नजर सनी के फिल्मी करियर पर। सुपरस्टार सनी देओल अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। ये जो करोड़ों का प्यार मिला है, लोगों का प्यार जो है ना, अभी जिस तरह से ये लोग खुश हो रहे हैं जो मैंने किया है, तो यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। और इसलिए और पिछले कई सालों से मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था, काफ़ी चीज़ों पीछे लगा हुआ था, और जिस तरह से लोगों ने मेरी गदर को प्यार दिया है, जिस तरह से आके बाहर उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया है, मैं जब मुझे पहले पता चला, जब मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहा था और अलग अलग फोर्सेस के पास गया था, और जिस तरह से लोगों ने मुझे प्यार दिया, तब से ही मैं कुछ पिघलना शुरू हो गया, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना प्यार है। और जब पिक्चर लगने वाली थी, उस वक्त मुझे पता चल गया था कि टिकट्स बहुत बिक चुके हैं और चारों तरफ वो हो रहा है, एक फेस्टिवल सा होने वाला है, तो पता नहीं, मैं एकदम से, तब से ही मेरे अंदर एक ऐसे लग रहा है जैसे रब मेरे अंदर है और मैं पता नहीं कहाँ फ्लोट हो रहा हूँ लोगों के साथ। बहुत जिस तरह से लोगों ने, पिक्चरें हिट होती हैं, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि वाकई में मेरी पिक्चर हिट है, कि लोग आके सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसी फीलिंग कभी दोबारा आएगी, या किसी को ऐसी फीलिंग का अंदाज़ा भी होगा कि ये है क्या और क्यों है। आपको उम्मीद थी कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? देखिए, मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि, क्योंकि जब पहले गदर लगी थी उस वक्त मुझे तब याद है के लगी, और हर ऑब्वियसली मैं इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इंडस्ट्री के बीच में इतना प्यार है, लेकिन जिस तरह से लोग करते हैं, इतना वो पिक्चर को उठा नहीं रहे थे, गिरा रहे थे, लेकिन जनता ने उसे उठाया, उसे गदर बना दिया और लोगों के दिलों में बैठ गई, और इस तरह बैठी उस वक्त के बस चलती गई। और तब मुझे इतना, बिकॉज उस वक्त डिजिटल वर्ल्ड नहीं थी, तो हमें इतना एहसास पता नहीं चल रहा था कहाँ क्या हो रहा है, और तब हम फिल्म की इतनी प्रमोशन भी नहीं करते थे, तो हम आते थे शूटिंग की, दूसरी फिल्म में चले जाते थे। इस बार बिकॉज ये फिल्म कई बार सोचा था हम लोगों ने, खासकर डायरेक्टर साहब ने, कैसे बनाए हम पार्ट टू। मैं बोला नहीं भाई, वो इतनी लोगों को पसंद आई है, हम फिर से बनाने जाएंगे, पता चला हमने लोगों को जो पसंद आई थी फिल्म, उससे वो बोलेंगे क्या कर दिया आप लोगों ने, नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए इसे डिले करते गए। और कोविड का वक्त था जब,
उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया तो आइडिया बहुत अच्छा लगा और वहाँ से तैयार हुआ और ये बन गई। और मुझे इतना यकीन था कि जिस जनता ने उस गदर को लाइक किया है, मेरे को लग रहा था वो लाइक करेगी, तो मुझे इतना पता था या तो पिक्चर बिल्कुल नहीं चलेगी, चलेगी तो उसकी इज्जत रखेगी, और इस पिक्चर ने, उसके पार्टियों ने उसकी इज्जत रखी। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार सनी देओल पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्हें अहंकार हो गया है। सनी, ये बात सही है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में इतनी हिट हुई, गदर ने गदर मचा दिया, और लोग कहते हैं जब से ये फिल्म हिट हुई आपको कुछ और नजर ही नहीं आता, न जवान, न सुल्तान, न पठान, न भाईजान, सिर्फ तारा सिंह महान। तारा सिंह, इन लोगों ने तारा सिंह को जैसे उठाया है, ये सब जनता की है और वो कैरेक्टर ऐसा बन गया कि लोगों के दिलों में बैठा हुआ, तो जहाँ जाओ तो तारा सिंह ही तारा सिंह है और बहुत अच्छा लगता है। और पाकिस्तान में लोग कहते हैं ये कौन सा तारा सिंह है, बिना पासपोर्ट के आ गया। पिछली बार आया तो इसने बम्बा उठाया, इस बार खम्बा उखाड़ दिया। देखिए, ये बातें चलती रहती हैं सोशल मीडिया पर और ये सब जगह पर, लेकिन मैं जब भी इंग्लैंड जाता हूँ, या अभी दुबई था और बाघा बॉर्डर में भी था जब इस वक्त, तो वहाँ के पाकिस्तानी जो लोग थे उस तरफ और हम यहाँ थे, तो वहाँ से मैं देख रहा था कि मुझे हाथ हिला रहे थे, प्यार दे रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। और जब फिर मैं जैसे अभी दुबई में था, तो कितने वहाँ पर मुझे मिले और उन्होंने गले लगाया, बहुत प्यार दिया। तो ये नहीं है कि वहाँ वो हमें प्यार नहीं करते, बिकॉज हम एक कलाकार हैं जो सबके लिए हैं। हाँ, फिर फिल्में बन जाती हैं जिसमें हमें ऑब्वियसली कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं और हमेशा एक विलन होता है, हीरो होता है, पर हम किसी के खिलाफ उस तरह नहीं जाते। और तारा सिंह तो इस तरह का कैरेक्टर है, पाकिस्तान में भी जाके बसने को राज़ी है, हिंदुस्तान में भी बसने को राज़ी है, जहाँ मर्जी उसके परिवार को बसने दे वो वहाँ बस जाए, उसे बस अपने परिवार चाहिए और कुछ नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ने को मिले हैं। पाकिस्तान में किसी ने लिखा कि 22 साल पहले पंप उखाड़ा तो हमारे यहाँ पानी बंद हो गया, अब खंबा उखाड़ा तो बिजली आनी बंद हो गई। ये लोगों के कमेंट्स हैं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और किसने लिखा कि पाकिस्तान का हथौड़ा लेके पाकिस्तान सारी फौज को डरा दिया। नहीं, बात वैसी नहीं थी, वो कैरेक्टर था, अपने बेटे को लेने आया था, और तारा सिंह जब आता है अपने परिवार के लिए तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, तारा सिंह फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। एक सीन सबने देखा कि टैंक पर चढ़े हुए हैं और पाकिस्तानी टैंक को उस पर कूदते हैं, उसके अंदर हथगोले डाल के वापस अपने टैंक पे आ जाते हैं। भाई, तारा सिंह हमारा जैसे मार्वल कॉमिक्स है ना, वहाँ उनके जो हीरोज होते हैं, हमारा तारा सिंह वो है, बल्कि हमारा तारा सिंह उन सब सुपर हीरो से तकड़ा है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ है। उसकी कमज़ोरी उसकी जो परिवार है वही उसकी ताकत है। जब वो फंसता है तो उस वक्त उसके पास रब आ जाता है, और जब रब आ जाता है तो रब के सामने कौन टिक सकता है, आप बताइए, कोई नहीं टिक सकता। सनी, ये बात सही है कि ये फिल्म करने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि सारे जो सीन्स थे वो रियल टाइम थे, उसमें ग्राफिक्स का, इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, अक्सर मैंने जितनी भी जो भी मैं फिल्में करता हूँ, ज़्यादा हम लोग स्पेशल इफेक्ट्स इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, कहीं कहीं होता है जहाँ उनको इस्तेमाल करना होता है, पर हर चीज़ हम लोग ऑन लोकेशन करते हैं, ना सेट के पर करते हैं, वी गो टू द एक्चुअल लोकेशन, वहाँ जाके शूटिंग करते हैं। ऑब्वियसली वहाँ मौसम और जो जिस तरह की तकलीफ़ें आती हैं, और ख़ास और आजकल के दौर में तो क्या हो गया कि सबके पास कैमरा है, तो हम जहाँ भी जाते थे तो
कोई भी फैंस रुकते नहीं थे, वीडियो करते रहते थे, तो वो एक तकलीफ होती थी भाई, घबराहट होती थी कि हम सीन अभी शूट कर रहे हैं, पिक्चर को लगने में एक साल के ऊपर होगा और वो चीज़ें ऑलरेडी चारों तरफ घूम रही हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें थी जिसे हम रोक नहीं पा रहे थे। एंड डेफिनेटली हमारे जो सीक्वेंसेस थे, कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स आती थी, फिर कुछ चीज़ें होती थी, कहीं कुछ और प्रॉब्लम, जो टैंक उड़ाए, गाड़ियाँ उड़ाई, ये धमाके किए, ये सब रियल थे? ये रियल थे, ये सब रियल थे, यू डिड ऑल दैट रियल। और मैंने सुना कि जो बेटे को बचाने जाते हैं तब बहुत धूल, बहुत मिट्टी उड़ रही है, लेकिन उस समय आपकी आंखों में प्रॉब्लम थी, आंखों का ऑपरेशन हुआ था? हाँ जी, वो था, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी उस वक्त, मैं अभी ऑपरेशन आकर करा के ही गया था, और वो धूल थी और पर करना था, और मैं क्या, मेरी एक बहुत गंदी प्रॉब्लम है, घर से मुझे जूते बहुत पड़ते हैं, बोलते हैं तेरा ये हुआ ध्यान रख, और मैं ऐसे नहीं, कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं अपना ध्यान नहीं देता बिकॉज मैं उस वक्त उस चीज़ में उलझ जाता हूँ, और पता नहीं क्यों आदमी सोचता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लग पड़ता है, धूल वूल थी, आँखों में पानी जा रहा था, तो बार बार मैं ड्रॉप्स डालता रहता था ताकि कहीं कुछ लेने के देने ना हो जाए, बट सब सही था, सब सही रहा। जिस बच्चे को आप बचाने के लिए जाते हैं, ये वही बच्चा है जो 22 साल पहले ही गदर में था? जी हाँ, जी हाँ, वही बच्चा। वही बच्चा है। और फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे बताया कि उस बच्चे को, जो उनका बेटा है, आपने ऐसे अडॉप्ट कर लिया जैसे वाकई में आपका बेटा है। नहीं, खैर खैर वैसे तो नहीं, एज एन एक्टर ऑब्वियसली बेटा था तो उसे उस तरह से ही, मैं अक्सर अपने आप को उस तरह से ही बना लेता हूँ जैसे कैरेक्टर होता है, तो बेटा है, तो वो फीलिंग से ही आनी बहुत ज़रूरी है, और बच्चे के साथ भी मैं उसको बार बार बोलता रहता था कि उसी तरह से सोचो कि जैसे हमारी रिलेशनशिप वो ही है, बाप बेटे की है, तो क्या ये सब चीज़ें फिर दिन स्क्रीन के ऊपर सही आ जाती हैं और एक्सप्रेशन सही आ जाते हैं। और मुझे मालूम है जो पहली गदर थी उसमें भी वो मेरे साथ था, और हम ट्रेन के बुग्गीज के ऊपर से जम मारते हुए जा रहे थे, वो तो उसने मुझे पकड़ के रखा था, मैंने उसको बांध के रखा था, एंड मैं उसके साथ छलांगे मारता हुआ जा रहा था, ये नहीं कि कोई डबल रखा हुआ था, तो वो एक भरोसा था, एक वो चीज़ थी। तो इसमें जितने एक्शन सीन आपने किए हैं, डबल नहीं रखा? डबल मेरे को नहीं लगता, कहीं एक आधी जगह कहीं होगा जब मैं शायद वहाँ ना हूँ, लेकिन सब चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ, बिकॉज उसमें क्या एक बॉडी लैंग्वेज आती है और ख़ुद का एक्सप्रेशन जो होता है, जो आता है वो सही आता है, और नहीं तो फिर वो हर चीज़ कट 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 करके हो जाती है। लेकिन अच्छा, ज़्यादातर बड़े एक्टर्स जितने हैं वो इफ़ेक्ट्स के साथ काम करते हैं, स्टेज पर पूरा शूट होता है और बाद में उसके अंदर इफ़ेक्ट लगा दिए जाते हैं, तो लगता है रियल था? नहीं, देखिए क्या सेफ्टी आजकल बहुत हो गई है, एंड वन शुड डू इट, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, पर हर आदमी का अपना अपना तरीका है कैसे करना चाहते हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ मुझे मालूम है मैं नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली मैं भी उसका सहारा लूँगा, पर अक्सर हम लोग जो करते हैं, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ तो मैं करता जाता हूँ। तो आपको शौक है खतरे उठाने का? नहीं, शौक तो नहीं है, मे बी बिकॉज आई एम स्पोर्ट्स मैन, तो हमेशा हर चीज़ को स्पोर्ट्स की तरह ही ले लेता हूँ कि चलो मज़ा आता है, करते हैं। तो इस फिल्म में अमीषा पटेल ने जो झगड़े किए वो भी आपने स्पोर्ट्स की तरह लिए? मैं फिर उन चीज़ों में से दूर हो जाता हूँ जहाँ मुझे पता है कि ये बात कुछ और होना हो जाए तो मैं बाहर ही निकल जाता हूँ। तो शूटिंग के दौरान उनकी काफ़ी नोकझोंक होती थी डायरेक्टर के साथ? कैस, वो मैं उस वक्त उधर नहीं होता था, जो होती भी थी तो वो उनके आपस में ही थी जो भी थी, बट हाँ, कितनी दफ़ा नोकझोंक हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, पर मैं तो हमेशा कहता हूँ कितनी दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं तो आर्ग्यूमेंट से आदमी को भी एक अकल मिलती है, जब वो बोलता है कुछ किसी को सामने से सुनता है कि उसने कितना गलत बोला कितना सही बोला, और उसे रियलाइज़ भी हो जाता है, पर होना नहीं चाहिए, बट आई थिंक ये सब जगह होता रहता है, दैट्स वे ऑफ लाइफ। तो आपके पास नहीं आते पाजी ज़रा सुलझाओ मामला? मेरे पास अक्सर कोई नहीं आता इन चीज़ों में, बिकॉज उनको पता है कि मेरा क्या एटीट्यूड होगा। अभी गदर आ गई है, अब तो मुझे लगता है
रब ने सुन ली। आइए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपकी गदर 2 रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पे उसने काफी धमाल मचाया है, तो आप इसकी सक्सेस देख के इन फ्यूचर कभी गदर 3 लाने की सोचेंगे? देखिए, गदर 2 लाने के लिए मैं डर रहा था, गदर 3 के लिए मैं तैयार हूँ। मैं सुना कि आपको आजकल ऑफर मिल रहे हैं कि बॉर्डर 2, अर्जुन 2, घायल 2, सबके 2 बनाने। आई थिंक वो जो मेरी फिल्में थी, वो जो कैरेक्टर्स थे, लोगों के दिलों में ऐसे बसे हुए हैं कि वो चाहते हैं उसका एक्सटेंशन देखें, और वही देखना चाह रहे हैं ना। तो बॉर्डर 2 की जो बात कर रहे हैं, एक वक्त था जब मैं करना चाह रहे थे लेकिन उस वक्त फिर हुई नहीं। अब वो अभी सब, बिकॉज ये पिक्चर चल रही है तो हर आदमी में जोश आ गया कि नहीं अभी हम बनाएंगे, तो लगता है कहीं ना तो कहीं वो जाके बनेगी। मैं सुना कि जोश थोड़ा सनी देओल का आ गया है, अब आप कह रहे हैं कि एक फिल्म के 50 करोड़ लूंगा। देखिए, पैसे क्या लेने हैं नहीं लेने वो तो प्रोड्यूसर वही देगा जितना उसे पता वो बना सकता है, और एक्टर भी उतना ही लेगा जितना उसे पता कि उसमें। जब फिल्म 500 करोड़ कमाएगी तो 50 करोड़ तो बनते हैं। तो फिर जो उसे लगेगा कि मुझे इतना दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं, तो मैं उसी में रहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा जितना नहीं मिला है, इस तरह से कि तो मैं नहीं कुछ काम करता। आई लाइक टू बी इन द पोजिशन जहाँ पर प्रोजेक्ट पर कोई वो बोझ ना है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि आपका कोई गदर का कोई फेवरेट डायलॉग आप प्लीज वो सुना सकते हैं? प्लीज सर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनी, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सनी देओल पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। मैं निकला ओ गहिले ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं हक दिल छोड़ आया। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्वासारी वटी श्वासारी गोल्ड व श्वासारी प्रवाही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। मेरा फ्लैटमेट जस्ट लाइक माय मॉम, ओए उठा, इसीलिए ना आई गॉट अस एयरटेल का फैमिली प्लान, 2 कनेक्शंस सिर्फ 599 में। फ्रेंड्स हो या कॉलीग्स, सबके लिए है एयरटेल फैमिली प्लान, ऑल्सो अवेलेबल फॉर रियल फैमिलीज। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ, हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपर फास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, 24 घंटे सुपर फास्ट खबरें। रोबोट और रफ्तार, नॉलेज लगातार। टेक्नोलॉजी जो मददगार, हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको
अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान है सुपरस्टार सनी देओल। आपकी अदालत में अगला जज। आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल पर इल्जाम है कि इन्हें बहुत गुस्सा आता है। सनी, आपके जितने डायलॉग होते हैं फिल्मों में, उखाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, घर में घुस के मारूंगा, कलेजा खींच लूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास में है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कितना गुस्सा करते हैं आप। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। वुमन चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ। शानदानी पुलिस स्टेशन के बाहर किसका हुक्म चलता है? मेरी शनाख्त करने से पहले तो अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। काट के रख दूंगा उससे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। तुझे अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। काजल, अगर इस चौखट पर बारात आई तो टोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर चेहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। तो बेताब से लेकर गदर तक हमेशा इतना गुस्सा। मुझे जो कैरेक्टर्स मिलते हैं और जो मैंने फिल्में की हैं, जो मैंने सब्जेक्ट्स भी चुने हैं, उनमें हमेशा एक नॉर्मल सा आदमी होता है, परिवार वाला होता है, या भाई होता है, या बेटा होता है। कभी कोई उससे कुछ कहेगा तो रोकेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। जब कोई कहेगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं, तो जो आदमी इतना पागल प्रेमी हो उसमें गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा। और वैसे ही कोई बहन को छेड़ दे तो फिर भाई क्या करेगा? भाई में उसका खून खोल उठेगा, वो आदमी का हाथ उखाड़ देगा। तो मेरे कैरेक्टर्स वैसे होते थे, और मैं अक्सर आई पोर्ट्रेट दोस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। तो समहाउ वही जनता को प्यारे भी लगे हैं और वो फिल्में भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। अमेरिका में जब आपने डायलॉग डिलीवर किया तो डर गए थे? वहाँ पे मेरी ये जो बोले सोनियाल की भी शूटिंग कर रहा था, एंड वॉज अ पुलिस हवलदार होता हूँ और वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी ढेर सारे तकड़े तकड़े लोग थे, पहलवान बॉडी बिल्डर जैसे थे, और तो मुझे ये डायलॉग बोलना था, नो इफ नो बट सिर्फ जट। तो मैंने जिस तरह से बोला तो बेचारे खड़े थे, उनको पता नहीं था, ऐसे हो गए सब। कैसे बोला था जरा दिखा दीजिए। अभी जरा गला गया हुआ है, नहीं तो मैं ज़रूर अच्छी तरह से दिखाता, बिकॉज उस वक्त जो है ना, बिकॉज वो बात सरदार दी है, नो इफ नो बट सिर्फ जट, तो गल अपने आप ही अंदर से आ जाती है। जब करें क्या, हम पंजाबी, हम सरदार, हम जो हैं, हमारे अंदर जो है, अंदर एक खून जो खोलता है, वही खून देश की रक्षा भी करता है। और इसलिए हमेशा जहाँ पर भी, जब भी होता था, जब भी कोई भी सरदार जी हो कहीं भी और परिवार वहाँ कहीं मुश्किल में हो, तो उसे पता सरदार जी के पास खड़े हैं, हम सेफ हैं, तो ये हमेशा रहा। इसलिए सनी, जब आपको डांस भी करना होता है तो ऐसा लगता है अब धरती हिल रही है। पर जब से मेरे बेटे की शादी हुई है तब से मैं कुछ पता नहीं, मैं नाचता ही रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ नाच पड़ता हूँ। तो उसके बाद मेरे को लगता है अभी मैं शर्माता नहीं नाचने से, पहले थोड़ा सा घबरा जाता था। कि जब जीत का गाना शूट हो रहा था तब काफ़ी डरे हुए थे, आपने सबको सेट से हटा दिया था? हाँ, उस वक्त मैंने तय किया था मैं नाचूंगा, पर मेरे को जो आता था वैसे मैंने किया। और वो नाच ही ऐसे था जिसके हम कहते थे कि एंट किलिंग है, पता नहीं क्या बोलते, धाड़ 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 धाड़। पर वो कैरेक्टर था, वो बेचारा सिंपल कैरेक्टर था, वैसे ही करेगा। और उस पिक्चर पर मैंने वैसे ही किया, और गाना बहुत प्यारा था, लोगों को पसंद आया,
उसके बाद वो लोगों ने उसे इन्जॉय भी किया, लाइक भी किया, राइट? यारा हो यारा जी, बताइए। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? हेलो सर, मेरा नाम स्नेहा डबास है। मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है सर कि आपको जो सुपर हिट सुपर फेमस सॉन्ग है सामने एक मोड आया, मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया, सर क्या आप उस पे हमें डांस करके दिखा सकते हैं प्लीज सर? लगता है आप तो अपने डांस करना सीख लिया अच्छी तरह से। हाँ, मैं कह रहा हूँ, पता नहीं अभी मैं बोला जब करना है तो करना ही करना है। लगता है आज शायद अगली फिल्म शायद मैं कोई म्यूजिकल करूँ। क्योंकि धर्म जी के बारे में भी लोग ये कहते थे कि वो डांस नहीं कर सकते, लेकिन जब उतरते थे तो फिर स्टेज पर आग लगा देते थे। पापा का अपना ही एक स्टाइल है, अपना ही एक अदा है, और फिर उसमें ही पूरे चले जाते हैं। जो पूरी जनता उन्हें उस वैसे देखते हुए बहुत पसंद करती है। और क्या कि 90% ऑफ द पीपल आर नॉट डांसर्स, सो दे आइडेंटिफाई मोर विद अस। बाकी लोग तो डांसिंग कर ही लेते हैं, बाकी जिसको नहीं आता पता चलो हाथ हिलाओ मारो। हम बात कर रहे थे शुरू में आपके गुस्से की, आपने डांस करके उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया। एक किस्सा तो सबको याद है, जब आप डर कर रहे थे शाहरुख खान के साथ, आपने जीन्स की जेब में हाथ डाल के जेब फाड़ दी थी गुस्से में। नहीं, वही मैं कहता हूँ ना कि मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं कितनी बार कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन में ना फंसूँ जहाँ मैं अपने आप को काबू ना रख पाऊँ। और मेरे साथ कितने दफ़े ऐसे किस्से भी हुए हैं, बट सही अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली वो फिल्म में तो मेरे साथ हुआ ही था, और पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे जीन्स जेनेटिकली हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, जब कुछ चीज़ हो जाती है तो उस वक्त काबू में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो असली ज़िंदगी में मारा है आपने किसी को? हाँ। नहीं, जब कॉलेज में हुआ करता था काफ़ी झगड़े हुए थे हमारे, बहुत दफ़ा हुए थे, बट वो दौर ही वैसा था उस वक्त। और उस वक्त का 70s का जो माहौल था उस वक्त, गैंग्स वैंग्स होती थी, झगड़े वगड़े होते रहते थे, ऐसे ही हो जाते थे झगड़े। कोई किसी पर स्टेयर कर रहा तो उस पर झगड़ा हो जाता था, वाई यू स्टेयरिंग एट मी, तो देख क्यों रहा है मेरी तरफ, उस पर ही झगड़े हो जाते थे। पर ये होते रहे हैं, बट आई वुडन एडवाइज बिकॉज आई बीन लकी कि कहीं ऐसी इतनी गहरी कहीं चोट नहीं आई, लेकिन इट्स आपको चोट नहीं आई या सामने वाले को नहीं आई? मुझे इतनी ज़्यादा मैं ठीक रहा, चोटें आई लेकिन वो जो भी लोग आपको जानते हैं सनी, वो ये कहते हैं कि आप वो सिक्स पैक एब्स वगैरह तो नहीं दिखाते लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत है सनी। देखिए, बात सिक्स एब्स और ये बॉडी बिल्डिंग में उस बात वो नहीं होती कि उसमें आपके पास ताकत है। मैं हमेशा कहता हूँ ताकत आदमी की सच्चाई की होती है, और हम लोग जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, दैट्स टू कीप अरसेल्फ फिट। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग सप्लीमेंट्स बहुत दे रहे हैं, एंड मैं आई वुड एडवाइज ऑल द यंगस्टर्स, देखिए मैं आई एम फिट बट मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, और ना ही मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को इतना पागल कर लें कि चीज़ों को एकदम लेकर चलें, बिकॉज हर चीज़ का फैशन हो चुका है आजकल। जिसे देखो तो बोलेंगे आज ऐसा खाना खाना, कोई बोलेगा नहीं ये एक्सरसाइज करो तो ऐसा हो जाएगा, और हम लोग लगता है कि हम वो करके तो हम बहुत वो हो जाएंगे,
लेकिन यू आर डैमेजिंग योर सेल्फ. और उसके अलावा आप लोगों ने कोई मिस यूनिवर्स मिस्टर यूनिवर्स तो नहीं बनना है, तो वाई गो थ्रू ऑल दैट प्रोसेस. तो आप क्या खाते हैं, पराठे के ऊपर मक्खन डाल के? मैं मक्खन पराठे सब कुछ खाता हूँ. मैंने कभी डाइटिंग नहीं की, तो ये नहीं था कि ये खाना है वो नहीं खाना. आजकल मैं देखता हूँ बच्चे लोग, नहीं नहीं आई कांट ईट दिस एंड आई कांट ईट दैट. तो मैं बोला भाई क्यों भाई, आपकी उम्र है, योर मेटाबॉलिज्म इज सो फास्ट, आप तो ऐसी यू बर्न कैलोरीज लाइक दैट, तो क्यों घबराते हो आप लोग? आज के ज़माने की एक और चीज़ मैंने सुना आपको परेशान करती है, वो है सोशल मीडिया. जिस तरह की बातें लिखी जाती हैं, आपको बड़ा गुस्सा आता है? शुरू में मेरे को बहुत बुरा लगता था, बिकॉज मुझे मैं हमेशा कहता था कि जो आदमी ये जब से हमारा सोशल मीडिया आया है और ये सब चीज़ें आई हैं, तो ये बेसिकली जितने भी हमारे वेले लोग थे ना, उनके हाथ में एक आ गया, टूल आ गया, जहाँ वो उनका चेहरा तो दिखता नहीं, किसने जो भी करना डाल देता है, जिसने जो करना कुछ भी कह देता है, और वो ये नहीं देखता कि आगे जिसको जिसके बारे में जिससे भी वो कर रहा है उसे दुख पहुँच रहा है, वो अपना मज़ा लेके बस बैठ जाता है. एक किस्सा मुझे किसने बताया कि वैसे तो आप प्राइवेट पर्सन हैं, आपके घर के अंदर क्या होता है, घर कैसा दिखता है, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन बेटी की शादी हुई, रिश्तेदार आके वहाँ ठहरे, तो सारे वीडियोज़ आ गए सोशल मीडिया पे. हाँ, मैं शुरू में तो बहुत अपसेट हुआ. मैंने एक दो को देखा, मेरे रिश्तेदार थे, मैं बहुत गुस्से हुआ. मैं थानू शर्म नहीं आती इदा कर रहे हो, तुम घर से असी बैठे हैं, मैं थानू सद्या, तो एक दो को मैंने डांटा, दो तीन को डांटा. फिर मैं फिर बाद में जब फंक्शंस हो रहे थे तो देखा यहाँ से वीडियो निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, तो फिर एंड ऑफ द डे मैंने बोला चलो जान दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, होन दो जो हो रहा है, बट आपके हाथ में कुछ नहीं है. यू कैन यू जस्ट हैव टू लिव विद इट एंड एक्सेप्ट इट. बट मैं हमेशा हर आदमी से यही कहता हूँ कि दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखें. बट देन बिकॉज हम लोग फेमस हैं तो इसका मतलब नहीं हम इंसान नहीं हैं, हम भी हर इंसान की तरह ही हैं, हमें भी दुख होता है, दर्द होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सोचते हैं हम हक है हर आदमी का, कोई भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है. सर जी ये भी सच है कि बचपन से ही पढ़ने लिखने में आपको काफ़ी परेशानी होती थी? जी गुस्सा आता था कोई पढ़ने को कहे? पता नहीं, अभी तो मैं कह सकता हूँ, पर उस वक्त तो इतना नहीं पता था. अभी बिकॉज अभी मुझे समझ में आया क्या था, आई वॉज बेसिकली डिसलेक्सिक, और पढ़ना लिखना अभी भी मैं कितनी बार बहुत गलतियां कर लेता हूँ, बिकॉज शब्द को मैं कुछ और ढंग से देखता हूँ और लिखने में मेरी चीज़ें गलत होती हैं. तो ऑब्वियसली जब उस वक्त तो ज़माना वैसा था, किसी को कुछ पता ही नहीं था, बेटा डफर है, उन्होंने पढ़ाई नहीं आती, थप्पड़ पैंते से घर आता सी कि फेल हो गया, आ नहीं किता, वो नहीं किता. बट समहाओ जब मैं स्कूल में था, जब ठीक नहीं था, तो कुछ टीचर्स ने मेरा आईक्यू टेस्ट किया एंड माय आईक्यू वाज वेरी हाई, तो इसी की वजह से शायद मेरी आई वाज एबल टू मैं चीज़ें समझ लेता हूँ, एंड देन मैं 35% तक पास हो जाया करता था. लेकिन बड़ी बात आपने बताई, आप डिसलेक्सिया से सफ़र कर रहे थे, और जिन भी लोगों को इस तरह की तकलीफ है वो समझ सकते हैं कि इसके बाद भी सक्सेस मिल सकती है. नहीं डेफिनेटली, आई मीन मेरा तो ये कहना है जिस आदमी में जो भी शॉर्टफॉल होती है वो आदमी और तकड़ा होता है, बिकॉज वो शॉर्टफॉल को कवर करना चाहता है और मेहनत करता है और उसमें लगा रहता है. एंड आई थिंक बट हर आदमी वैसा नहीं होता. कितने को स्कूल में फिर बच्चे लोग तंग करते हैं या बाहर लोग तंग करते हैं, तो जो वो आदमी की पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो बेचारा पीछे रह जाता है. आमिर खान की फिल्म थी तारे जमीन पर, उसमें बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था इस प्रॉब्लम को. बहुत अच्छा किया था. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल अंडरस्टैंड एंड थोड़ा समझिए आप सारियाँ गलानू के बच्चे नु अच्छी तरह गौर नाल देखिए के बच्चे. शुरू के दिनों में लिखने पढ़ने के साथ साथ आपको बोलने भी प्रॉब्लम होती थी, डरते थे माइक देखकर? हाँ जी, मैं तभी बिकॉज अब तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल लेता हूँ. उस वक्त माइक आ जाता था, समझ में नहीं आता था मैं बोलूँ क्या. और बहुत मुश्किल होती थी, और इसी वजह से कि तीन बार कहीं मैं जाता नहीं था, तो लोग सोचते थे मैं एरोगेंट हूँ या मैं पता नहीं क्या समझता हूँ, पर किसी को क्या बताऊँ, मैं मेरे से हो नहीं पा रहा. तो सनी बोलने में दिक्कत थी, पढ़ने में दिक्कत थी, लिखने में दिक्कत थी, उसके बाद भी इतने बड़े स्टार बने? रब दी मेहर है,
से करना होगा। आई मीन ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कभी कोई भी चीज़ से मैंने हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी। नहीं आता तो मैं उसके पीछे लग जाता था। हाँ, पढ़ाई में नहीं कर पा रहा था बिकॉज दैट वॉज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम, बट कहीं भी कोई भी मुश्किल आए तो मैं उसका सामना करता हूँ, उसे मुश्किल नहीं समझता। बिकॉज मुश्किल समझ के आदमी गिव अप करके वहाँ बैठ जाता है, मैं क्या करूँ, मैं तो बेचारा हूँ। मेरे को उससे मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी कोई बेचारा बेचारे की बात होती है। तो मैं हमेशा हर बच्चों को भी कहता हूँ, गो फॉर इट, करते रहो। दिस इज़ हाउ वी बेसिकली स्टार्ट ग्रोइंग अप और आगे आगे बढ़ सकते हैं। पर नहीं सर, ये बहुत अच्छा मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको कुछ कमी है, लेकिन उनके अंदर ये विश्वास आ सकता है आपको देख के कि हम भी कुछ बन सकते हैं। 100% मुझे देख लीजिए, मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि पढ़ नहीं सकता, ना मैंने कोई डायलॉग्स लिए हैं। मैं तो उनको समझता हूँ, फिर आगे करता हूँ, और मेरे ही डायलॉग हैं जो लोग अक्सर बात करते हैं। तो हर आदमी तो यही सोचता, पता नहीं इसको कितना अच्छी तरह से पढ़ता। तो आपको जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट देते हैं तो आप उसको पढ़ नहीं सकते? नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो मैं अक्सर हमेशा बात, मैं बोलता हूँ जो मुझे बात कहनी है मुझे बता दो, लेट मी मेक माई ओन टॉक, और मैं फिर मैं अपने हिसाब से उसे बोल दूंगा, और वो मतलब आना बहुत ज़रूरी है। तो इतने बड़े बड़े डायलॉग जो हम सुनते हैं आपके, जो डिलीवर करते हैं आप, ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, ये सिर्फ मेमोरी से आप? हाँ, मैं उसको मीन्स ऑब्वियसली उसको लेता हूँ, सुनता हूँ, फिर बाद में पढ़ता भी हूँ। बिकॉज अभी मैं सुन लिया तो मुझे पता है कि ये शब्द क्या है, तो फिर देन इट बिकम्स ईजी फॉर मी। उसके बाद फिर उसे लेके मैं अपने खुद, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो डायलॉग्स हैं वो हमने डायलॉग्स की तरह तो बोलने नहीं है, वो ने उसे हमने अपने अपना थॉट लेके उसे आगे प्रेजेंट करना। पब्लिक में से सवाल पूछे। जैसा कि आपका किरदार हल्क फिल्म में बिल्कुल गुस्से वाला, मारधार वाला दिखाया जाता है, तो क्या वो गुस्से वाले सनी पाजी ने कभी अपने पापा से बचपन में पिटाई खाई है? मेरे को घर में कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं मारा हो। मैं शरारती था, और उस उम्र में मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चों को बच्चे बन के ज़िंदगी निकालनी चाहिए, बिकॉज वो उम्र वापस नहीं आने वाली। हम उन्हें, और पापा तो काफ़ी बिजी हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब वो घर पे थे, और मुझे याद है मैं ऊपर टेरेस पर था, मेरे पास कैटी थी, मैं वहाँ देखता था दूर दूर घर थे, तो हम लोग, मेरे साथ एक और दोस्त होता था, तो हम लोग मज़ा आता था किसी के कार शीशे तोड़ने में। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ तो पता चला पापा आ गए, तो मैं सोचा पापा आ गए, और हमेशा फादर से पता नहीं, मैं तो हमेशा डरता हूँ शायद उनको ये बात तो नहीं पता चलगी, वो तो नहीं पता चलगी, तो हमेशा वो डर रहता है। तो मैं नीचे दौड़ा दौड़ा, उन्होंने देखा दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने देखा कुछ कर रहा था, तो मेरे को बुलाया, शायद उन्होंने कहीं और गुस्सा होगा, कुछ बात हुई होगी, एक थप्पड़ मारा तो मेरे फेस पे तीन उंगलियां छपी थी, क्योंकि हाथ इतना पापा का बड़ा है। बट उन्हें नहीं पता था मैंने किया क्या, लेकिन मुझे पता था मैंने क्या किया। एक और ब्रेक चलेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सनी देओल पर इल्जाम और सवाल का एक और। इस बार तो शाहरुख ने भी तारीफ की है, करण जौहर ने भी तारीफ की है आपकी। चलिए मैं माफी मांगता हूँ। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से अर्थराइटिस व समस्त वात रोगों से मुक्ति पाइए। दादा दादी नाना नानी की इच्छा होती है वो भी बच्चों के साथ खेले और खुद बच्चों जैसे ही रहें, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है? बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस वक्त से पहले ही व्यक्ति को बूढ़ा और कमजोर बना दे। योग, आयुर्वेद, प्रकृति और संस्कृति से जुड़कर के सदा कैसे रहें जवान और लाइफस्टाइल डिजीज को कैसे करें बाय बाय, ये मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इंडिया टीवी। उम्र बढ़ेगी, बीमारी दूर रहेगी, जरूर देखिए सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ
आपको रखेगा हर पल अपडेट। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, जब चाहें तब देखें सुपर फास्ट खबरें दिन भर। तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, 24 घंटे सुपर फास्ट खबरें। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर बात करने से क्यों रोक रहे हैं, सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर नहस-नहस है, अतिक्रमण है, वो यहाँ पर हटाया जा रहा है, यात्रा को टारगेट किया गया, हर जान की कीमत है, मंदिर में ऊंची लहरें उठते हैं। हम खबर दिखाते हैं। वेलकम बैक, आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार सनी देओल। आपकी अदालत में अगला जज, आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल पर आरोप है कि ये एहसान फरामोश हैं। सनी, फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री ने आपको इतना दिया, इतना बड़ा स्टार बनाए आप मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, लेकिन आप कहते हैं कि इंडस्ट्री डिड नॉट बिलीव इन मी, आप कहते हैं कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला। यू आर वेरी राइट, बट क्या हो जाता है कि जो माहौल है वहाँ पर, मैं तो हमेशा कहता हूँ पापा की जो कैपेबिलिटी है और जो पापा ने डिलीवर किया है पूरी इंडस्ट्री में शुरू से लेके अब तक, वो कैपेबिलिटी मैंने दूसरे लोगों में नहीं देखी, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि उन्हें उस तरह से अप्रिशिएट किया जाए। तो उस वजह से मैं इस तरह से कहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हम हमेशा कभी जब कुछ अच्छा भी करें तो हमारे पास सामने से कोई स्टूडियो या कोई दूसरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर साथ जल्दी इतने मेरे साथ इतने जल्दी जुड़े नहीं हैं। अक्सर मैंने जब भी काम किया तो मोस्टली हमेशा न्यू कमर्स के साथ ही काम किया है, और मैंने इन्जॉय भी वही किया है बिकॉज उनके अंदर जो जोश और उनके अंदर जो एक प्रूफ करने की एक अंदर होती थी तो उसके साथ मेरा भी तालमेल बन जाता था। और इसलिए जितनी भी फिल्में, जैसे घायल थी उसमें भी नया डायरेक्टर था और ढेर सारी फिल्में थी, सब में मेरे नए नए यंग लड़के थे जो जिनके साथ किया। शुरुआत भी मैंने जब की थी, राहुल वॉज जस्ट यंग गाय, नया था, जेपी दत्ता थे, और हम लोगों ने फिर उस वक्त जिस तरह का सिनेमा किया, उस वक्त सिनेमा मनमोहन देसाई जी का चल रहा था और इस तरह के डायरेक्टर्स का चल रहा था, और वहाँ पर हम लगे हुए थे कुछ अपनी ही एक अलग धरा का सिनेमा लेकर, जो ऑब्वियसली उस वक्त लोगों के यंगस्टर्स के साथ वो रिलेट ज़्यादा करता था। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद फिर मैंने कभी भी कोई बड़े स्टूडियो या कोई बड़े फैमिली से या जहाँ जो जिन जिन के जो ढेर सारी फिल्में बनाते थे उनके साथ कभी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। और उसके अलावा जब गदर रिलीज़ हुई है तो बहुत लोगों ने तारीफ की, सलमान खान ने ट्वीट किया, उन्होंने फिल्म का पोस्टर ट्वीट किया और लिखा कि 2.5 किलो का हाथ 40 करोड़ की ओपनिंग के बराबर है। सलमान और हम दोनों में एक हमारा एक अलग ही इक्वेशन है, एंड ऑब्वियसली हम सीनियर टू हिम, तो जब मैं था ही यूज्ड टू कम ऑन द सेट्स, आता था, ही हैड ऑलवेज ग्रेट रिगार्ड्स फॉर मी, और वो हमेशा वो बॉन्ड रहा है पापा के साथ, उसका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, एंड सो दैट इज अ गिव एंड टेक जो बहुत कम लोगों के साथ होता है। और ऑब्वियसली ये नहीं है कि सब मेरे कलीग्स हैं, एवरीबॉडी वॉन्ट्स, आई हैव माई बॉन्ड विद एवरीवन, पर मैं कुछ मुझे लगता है कि जो भी हमें जो पसंद है तो पसंद करिए, नहीं करते तो ना करिए। इस बार तो शाहरुख ने भी तारीफ की है। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज शाहरुख देखिए वो ज़माना जब वो चीज़ हुई थी या जो भी हुआ था वो वक्त था, एंड मैं तो कहता हूँ कि उसके बाद समय होता है जहाँ सब चीज़ें फिर आदमी भूल भी जाता और समझ में भी आ जाता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बचपना था।
तो डेफिनेटली उसके बाद मैं शाहरुख कई बार मिले हैं, ऐसे ही मिले हैं और बातचीत कई हुई है, कई चीज़ों के बारे में, कोई फिल्मों के बारे में भी हम लोग बातचीत की है। और इस वक्त भी जब उसने ये मेरी फिल्म लगी थी तो पूरी फैमिली के साथ मेरी फिल्म देख रहा था, यानी कॉल में आप, तो वो सब चीज़ें बहुत अभी बढ़िया हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। करण जौहर ने भी तारीफ की आपकी। चलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपको शायद इसलिए लगता होगा क्योंकि आप इंडस्ट्री वालों की तरह नहीं हैं, आप भी सबके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, आप भी पार्टियों में नहीं जाते हैं। शायद ये होगा बिकॉज ऑब्वियसली मैं देखिए मैं पार्टी पे जाना ये नहीं मैं कहता कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, पर वहाँ दारू पीनी पड़ती है या ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं हूँ नहीं, मैं अर्ली राइजर एंड मैं रात को जल्दी सोने वाला मुझसे हूँ। तो और मैं जब शुरू में जब जाया करता था ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स, फिर जिसको चढ़ जाती थी वो पकड़ लेता था और फिर वो ऐसी बात लूप लग जाता था, फिर वही बोलते रहते थे। तो एक ने पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा, तीसरे ने पकड़ा, उसके बाद मेरे को भी चढ़ जाती थी बिकॉज वो लूप के साथ आदमी वैसे ही हो जाता है, फिर गूंज सा लगता है बिकॉज वहाँ पर आप किसी के साथ कुछ सेंसेबल बात ही नहीं कर सकते। बट दैट वॉज दैट पीरियड आई थिंक अभी एंड देन हर आदमी का अपना एक पर्सनैलिटी, एक फैशन सा है, आपको भी पाजी सब कहते हैं। मुझे बस यही होता है कि जब कोई किसी को रिस्पेक्ट देता है तो उसका रिस्पेक्ट का मतलब समझना चाहिए और कुछ नहीं। जब पाजी कहा तो उसको पाजी समझिए, ऐसे मत पाजी नहीं समझते। खैर आई वुडंट लाइक टू गो देयर। ये है हम ये दुनिया हमारी ऐसी हो गई है जहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और कैसे क्या करना, आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढते हैं, अच्छे बनने के लिए भी, अच्छाई के लिए हम कुछ भी करते हैं। और फिर से बोलेंगे मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा कि बट यह दुनिया है वैसी अभी, और इसमें सही है गलत क्या है उसका कहने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं वैसे ही रहूँगा जैसे मैं हूँ और बाकी लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं, तो कुछ बदलने। मैं धर्म जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहे थे बहुत कोशिश की मैंने सनी को सिखाने की, और उन्होंने जिक्र किया वो गाना मौसम यूं बरसता है डर क्यों मुझको लगता है, बोले मैं उसको कह रहा था कि अमृता सिंह को जप्पी पाले। लेकिन सनी से हुआ नहीं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ, ऐसी बात तो कुछ नहीं है। मैं बेसिकली शाय गाय, मैं शर्माता बहुत था बचपन में, तो बहुत ही हद से ज़्यादा शर्माता था। लेकिन अगर मैं कहता हूँ हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी है, मैं वैसे ही था। बट अभी भी वैसे ही है, आप जब भी पा लेते हैं। नहीं मैं आई मीन बगैर मतलब कि जब भी डालना भी तो सही बात नहीं है ना। नहीं लेकिन आई मीन अभी ऑब्वियसली मैं काफ़ी बदल चुका हूँ और दुनिया के साथ बदलता ही रहा हूँ, और फिर भी देखिए ना उम्र 65 की है तो बदलना अभी नहीं बदलूँगा तो कब बदलूँगा। लेकिन आज भी बहुत सारे डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि सनी देओल के साथ काम करना मुश्किल है क्योंकि वो अपनी टर्म्स में काम करता है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे टर्म्स तो कुछ ऐसे है ही नहीं। मैं तो कभी पूछता भी नहीं कि पिक्चर में मुझे आपको 10 दिन चाहिए या 100 दिन चाहिए, मैं कभी उसकी बहस भी नहीं करता। जब मैं फिल्म करता हूँ मेरे लिए इट्स अ क्रिएटिव प्लेस जहाँ पर हर आदमी को वो एक बेबी है जिसको हम लोग सब लगे हैं उसको अच्छी तरह से काव करने में, तो उसमें जितना हर आदमी सच्चाई से उसके उसको उसमें काम करे उतना अच्छा है। दो तीन एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। JP दत्ता के साथ बॉर्डर किया आपने, उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन शेल्फ कर दिया। नहीं वो शेल्फ नहीं किया था, वो मैंने ही कहा था कि 2015 में हम JP साहब करना चाह रहे थे बॉर्डर 2, लेकिन उस वक्त मेरी यमला पगलत 2 लगी थी और वो चली नहीं थी। तो ऑब्वियसली ये हमारा इंडस्ट्री का वो ही नहीं, हर आदमी ऐसा ही है, जब नहीं चलता तो फिर आदमी के पास गट्स नहीं है फिर पिक्चर बनाने के। और अब जब ये पिक्चर चल गई है हर आदमी कह रहा है कि मैं ये बनाऊँगा वो बनाऊँगा, बट दुनिया ऐसी चलती रहेगी। जितनी फिल्में आपकी हिट हुई उससे ज़्यादा फिल्में ऐसी थी जो बनते बनते रह गई? नहीं ऐसे तो नहीं है कि बनते बनते रह गई, सब बन गई। लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। हाँ सनी जरूर, जरूर। शीशा, चुनौती,
इंडियन, बजरंग, इश्क मोहब्बत, अवतार, धूल, ये सारी फिल्में मेंशन की जाती हैं कि नहीं 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 शीशा तो कोई थी नहीं मेरी फिल्म नहीं, ये सब फिल्में बनी नहीं, नहीं बजरंग बजरंग थी जो कर रहे थे, वो बेचारा प्रोड्यूसर ही पास्ट हुए तो वो आगे बन नहीं पाई। और फिर और कौन से नाम ले रहे थे आप? और मैंने नाम लिए इश्क मोहब्बत, नहीं ये तो मुझे पता, अवतार अवतार इंडियन इंडियन तो मैं खुद ही बना रहा था उस वक्त, खुद ही बना रहा था उसका। हम लोग ने मुहूर्त भी किया था उसमें, ऐश्वर्या जी का आई मीन लॉन्च उसमें हो रहा था, वो हमने एक गाने वाने बहुत कुछ शूट किए थे, बहुत बड़े लेवल पर बना रहे थे, लेकिन फिर बाद में बिकॉज बजट करके फिर वो बनी नहीं थी। बजट तो आपको गदर में भी बहुत कम मिला। हाँ पर इस वक्त हमें बनाना ही बनाना बहुत ज़रूरी था बात प्रूफ करनी बहुत ज़रूरी थी कि कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने उस पर किसी ने उफ नहीं की एंड हमने वो पिक्चर बनाई। इसीलिए सक्सेस इतनी बड़ी है क्योंकि जो फिल्म आपने 50-60 करोड़ में बनाई वो 500 करोड़ बना ले। ऑब्वियसली मैं ये पूछी थी पाजी सर से कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या बनते? मैं क्या बनता? देखिए जब मैं छोटा था, जब मैं कॉलेज के वक्त जब स्कूल पास कर रहा था तो मुझे बहुत शौक था ड्राइविंग का, तो मैं रेसिंग ड्राइविंग रैलीज या रेसेस में जाने की मेरा बहुत शौक था, या मैं को बॉक्सिंग का बहुत शौक था, लेकिन ऑब्वियसली घर वाले मुझे उस तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे कहीं भी, तो फिर डेफिनेटली और मैंने पढ़ाई इतनी की नहीं थी और ऑब्वियसली अंदर कहीं एक रुचि थी कि मैं क्योंकि माहौल में वैसे था और फिल्में मैं वो देखा करता था तो एक्टिंग एक्टर बनने की रुचि थी अंदर, और पर शायद शर्माता था, ज़्यादा बोल नहीं पाता था। तो मुझे याद है जब मैंने कहा पापा से मैंने एक्टिंग करनी है तो बोला ठीक है बन जा बेटा तेरी मर्जी है तूने करना जो करना है। एंड फिर मैंने सोचा मैं करूँ कैसे बनूँ मैं एक्टर, क्योंकि यहाँ पर सब मुझे जानते हैं, जहाँ जाता हूँ या तो अच्छे होते हैं या बुरी तरह से बिहेव आते हैं, हम एक नॉर्मल इंसान की तरह से तो काम करना मुश्किल है। तो इसलिए फिर मैं इंग्लैंड चला गया था, वहाँ जाके फिर मैंने बर्मिंघम में एक ओल्ड रेप थिएटर है, मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने एडमिशन ली। शशि कपूर जी ने मुझे एडमिशन दिलवाई, उनका बेटा कुणाल भी वहीं था, और वहाँ जाके बिकॉज कोई मुझे जानता नहीं था तो ऑब्वियसली तो आई वेंट थ्रू डूइंग स्टेज वर्क, मुझे अभी भी याद है लेकिन अभी कोई बोलेगा डायलॉग बोलो तो याद नहीं, ओथेलो किया था मैंने एंड वहाँ पर फिर मैं करता गया एंड 1.5 years आई वॉज ओवर देयर। फिर उसके बाद मुझे अभी भी याद है जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे को जब सर्टिफिकेट मिला था तो उसके ऊपर मैं 2-3 मार्क्स से डिस्टिंक्शन से बच गया था, और वो ऑब्वियसली बिकॉज लैंग्वेज का मुझे लिटरेच वगैरह मेरी प्रॉब्लम थी। और मुझे अभी भी याद है वो टीचर जो थी हमारी इंग्लिश वाली वहाँ पे, उसने लिख दिया था स्टेटमेंट, वी कैन नेवर बिकम एन एक्टर। चलो ठीक है सर, मेरा सवाल तो नहीं पर एक फरमाइश है सर, आपके बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स रहे हैं, बट जनता का सबसे फेवरेट डायलॉग है ये 2.5 किलो का हाथ, सर एक बार बोल के दिखा दीजिए सर प्लीज एक बार। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सनी देओल पर इल्जाम और तो सवालात का एक और। एक आदमी ने कहा कि आर्मी तो दूर की बात है, सनी देओल मेरे सामने आ जाए मैं दिखा दूंगा बाजुओं में कितना दम है। हम लोग उसे पर्सनल ना लें तो बहुत अच्छा है, और जब कोई बात आ गई किसी ने मुझसे पंगा लेना तो आ जाए। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस व पाचन तंत्र के समस्त रोगों में इंस्टेंट बेनिफिट के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है लिवोग्रीन व लिवामृत एडवांस। मेरा फ्लैटमेट जस्ट लाइक माय मॉम, ओए उठा, इसीलिए ना आई गॉट अस एयरटेल का फैमिली प्लान, 2 कनेक्शंस सिर्फ 599 में। फ्रेंड्स हो या कॉलीग्स, सबके लिए है एयरटेल फैमिली प्लान, ऑल्सो अवेलेबल फॉर रियल फैमिलीज। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती,
पर इस मंच का हर पल में एंजॉय करती हूँ, हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार, क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपर फास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, 24 घंटे सुपर फास्ट खबरें। रोबोट और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक व्हील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सुपरस्टार सनी देओल से। आपकी अदालत में अगला जज। आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल पर आरोप है कि ये गैर जिम्मेदार हैं। सनी, ये इल्जाम पाकिस्तान के लोगों की तरफ से आया है। वो कहते हैं कि हमारी क्या हालत दिखाई है फिल्म में, और एक आदमी ने कहा कि आर्मी तो दूर की बात है, सनी देओल मेरे सामने आ जाए, मैं दिखा दूंगा बाजुओं में कितना दम है। ऐसे और कई स्टेटमेंट्स हैं। मैं एक एक्टर हूं जो कैरेक्टर प्ले करता हूं, ये बनती है फिल्म एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर, और उसे हम लोग उसे पर्सनल ना लें तो बहुत अच्छा है, और जब कोई बात आ गई किसी ने मुझसे पंगा लेना तो आ जाए। एक और पाकिस्तानी ने कहा कि इंशाल्लाह जब सनी पाकिस्तान आएंगे तो आर्मी उनको जवाब देगी, वो फिल्में बना सकते हैं असलियत में कुछ नहीं कर सकते। असलियत में मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, बार बार वही कहता हूँ, मैं कैरेक्टर निभाता हूँ, और एज अ सोल्जर भी, कोई सोल्जर दूसरे देश में जाएगा कब और क्यों, जब कहीं हालात इस तरह से हों और पॉलिटिकल इश्यूज हों, और कोई भी सोल्जर एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अपने देश के लिए उसे करना पड़ता है, और कोई किसी की जान नहीं देना चाहता। सनी, कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो आपके एडमायरर्स भी हैं। किसी ने लिखा कि सनी देओल को पाकिस्तान बुलाओ, दूध की लाइन में लगाओ, 200 रुपए किलो का आटा खरीदवाओ, 150 रुपए की चीनी खिलाओ, पानी बिजली मत दो, अपने आप वापस पाक जाएगा। नहीं देखिए, हम लोग अभी इन चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ उनमें कुछ इस तरह की बात नहीं है, ये सब एक सियासी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जनता दोनों तरफ एक ही है, यहाँ से ही गई है, हम सब इसी मिट्टी के हैं और सब एक ही हैं, और ये जो लड़ाई वगैरह होती है ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो लड़ रहा है वो किसी का बेटा है, हस्बैंड है, बहनें हैं, जो भी है, वो उसके पूरा परिवार उसका है, और वो कोई नहीं चाहता कि वो उसे खो दे, और ना इधर का चाहता ना उधर का चाहता है। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि
सुलह हो जाए चारों तरफ, बिकॉज ज़िंदगी में हम लोग, हमें जो मिली गई है वो जीने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं। सनी, आप कह रहे हैं कि ये सारी बातें सियासी हैं, सियासत में तो आप भी हैं, आप भी चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट जाते ही नहीं। मैं आपका रिकॉर्ड आपको बताऊं? हाँ जी, मेरा रिकॉर्ड बहुत गंदा है, मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा। 3.5 साल में सिर्फ 19 बार गए, 2021 के विंटर सेशन में बिल्कुल नहीं गए, 2022 के विंटर सेशन में नहीं गए, 23 के मॉनसून सेशन में नहीं गए, 0 अटेंडेंस। नहीं, मेरी अटेंडेंस वाकई में बहुत लो है, और मैं ये नहीं कहता कोई सही बात अच्छी बात है, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया और जब देखा और मुझे लगा कि मैं, ये मेरी दुनिया नहीं है, पर मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो भी काम जितने भी थे मैं सब करता जा रहा हूँ और करता रहूँगा, उसके लिए मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ उससे मैं नहीं मानता, बिकॉज मुश्किल होती है, दिक्कत आती है मुझे, सिक्योरिटी होती है, और उस वक्त कोविड आया, फिर बाद में दूसरे इश्यूज आए, तो एज़ बीइंग एन एक्टर कहीं जाना हमेशा चारों तरफ भीड़ लग जाती है, और वहाँ जाके फिर, और ये हमारी एक शॉर्टकमिंग है, और जो बिकॉज मैं एक्टर हूँ तो ऑब्वियसली उंगलियाँ तो एक सेकेंड में उठ जाती हैं, और भी कितने ऐसे होंगे, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं अभी लाया नहीं हूँ, पर मेरे पास ढेर सारी लिस्ट है जो हम लोगों ने किया है वहाँ पे, काम बहुत काम किया है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं करता हूँ उसके बारे में मैं चर्चा करूँ या ये करूँ, क्योंकि वो मेरा फ़र्ज़ है करना, इसलिए मैं करता जा रहा हूँ और करता रहूँगा। हाँ, एज पॉलिटिक्स ऑब्वियसली ये एक प्रोफेशन है जहाँ मैं फिट नहीं हूँ वहाँ पर, बिकॉज। तब 2024 में चुनाव है, लड़ेंगे या नहीं? मैं तो नहीं लड़ना चाहूँगा एनी मोर, बिकॉज मैं जो काम कर रहा हूँ, मोदी जी लड़ाएंगे आपको? मेरे को लगता है मोदी जी भी समझते हैं कि ये जो लड़का सनी है ये देश की सेवा एज एन एक्टर बहुत कर रहा है, तो ये वहीं ठीक है, जनता भी वही चाहती है कि मैं उन्हें अच्छा सिनेमा दूं, अच्छी फिल्में दूं, जहां जो मेरा जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, और मैं जितने भी यूथ हैं सबको मैं ऐसी फिल्में दूं तो दे गेट मोटिवेटेड एंड दे थिंक पॉजिटिव, एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर। सनी, लेकिन विनोद खन्ना भी पंजाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो मंत्री भी रहे, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने तो कभी ऐसी शिकायतें नहीं की? देखिए, हर आदमी अलग होता है, उन्होंने तो वो रूट ले ही लिया था, वो पॉलिटिक्स में ही थे, वो ही करना चाह रहे थे, मेरा रुख नहीं था कभी भी, बट मुझे कहा गया था आने को, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा देखें तो सही, पापा भी आकर गए हैं, पापा ने भी कहा बेटा जैसे नहीं हो पाएगा, मैंने कहा दंद की गल है, फिर जब आया तो मुझे समझ में आया बाकी में ये उनके लिए है जो पॉलिटिक्स में अपने आप को अंदर डाल सकते हैं और उसे ही अपना प्रोफेशन लेके आगे ले जा सकते हैं, और मुझे सूट नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं आई बी एबल टू बी, जैसे मैं एज एन एक्टर हूँ, मैं पहले डायरेक्टर भी बना, प्रोड्यूसर भी बना, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि आई कैन ओनली बी ए गुड एक्टर। ये आपकी बात सही है, आपको तो प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि प्रोड्यूसर बन के जो लोन लिया उसके बदले ऑफिस नीलाम होने की बारी आ गई। देखिए, वो तो होता ही है बिजनेस में, होता तो नहीं है, लेकिन जब बिजनेस में शॉर्टकमिंग हो जाती है, आप पिक्चरें बना रहे हो और रिकवरी नहीं होती, तो फिर ऑब्वियसली आपने अपनी प्रॉपर्टी दी होती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम अक्सर जब भी हम लोग कुछ भी बनाते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको डाइल्यूट कर देते हैं ताकि पैसे दे दिए जाएं और आगे बढ़ें, और पैसे हमारे ही हैं, हमने ही मेहनत करके बनाए हैं, पापा ने बनाए हैं। सनी, ये तो सबको समझ आया कि 56 करोड़ का लोन लिया था, प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, नहीं दे पाए, बैंक ने नोटिस अखबार में छाप दिया, लेकिन 24 घंटे में नोटिस वापस कैसे हो गया? कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी वहाँ पे, देयर वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, बिकॉज उन्होंने, मैंने लेटर्स भी भेजे थे उनको जाने से पहले, जब मैं गदर की ये प्रमोशन कर रहा था, 17 और 18 19 तारीख को दो दफ़ा भेजे थे कि मैं आके
24-25 को आके सब सॉर्ट आउट करूँगा, लेकिन उन्होंने पता नहीं, देखिए क्या बोलूँ, बदमाशियाँ तो लोग करते ही रहते हैं, किसने किया, क्यों किया, करना नहीं चाहिए था। हाँ, उनके पास राइट है करने का, लेकिन आई ऑलरेडी गिवन अ लेटर के मैं आके सब सेटल करने वाला हूँ। अब तो बहुत कमाई कर ली है, दे देंगे एक तो अभी तो दे दूंगा क्यों नहीं, मैं अपनी जगह को जरूर, अपने पापा की बनाई हुई जगह उसे वापस जरूर रखना चाहूँगा अपने पास, क्यों नहीं। लेकिन अब फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे, फिल्म का भी प्रोड्यूस, बिकॉज मुझे क्योंकि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। बिकॉज क्या, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं सोचता नहीं कि कितना खर्चा हो रहा, क्यों हो रहा, नहीं हो रहा, और जिन लोगों को मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ वो पता नहीं क्यों नहीं उसे अच्छी तरह से निभा पाए। और मैं तो बस हम क्रिएटिव लोगों का काम है चीज़ें करना, और बिजनेस को कैसे संभालना हम नहीं कर पाते, इसी वजह से मेरे पर इतने कर्जे हुए, नहीं तो फिर क्यों होते, जो मेरे पास अकल होती। और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया एक्टिंग करनी है, नो प्रोडक्शन, नो डायरेक्शन, ओनली एक्टिंग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू ऑल वांट टू डू। जनता में से लास्ट राउंड, आपकी मूवीज तो बहुत हिट होती हैं, पर आपको कभी अवार्ड क्यों नहीं मिला? नहीं, मेरा मुझे अवार्ड मिले हैं, कब मिले? हाँ, मुझे मुझे मिले थे मेरी फिल्म में इनिशियली, जब मैंने घायल के लिए मुझे मिला था, दामनी के लिए मिला था मुझे, और उसके बाद नहीं मिले, और जब वो दो मिले मुझे समझ में नहीं आया क्यों मिले, और फिर मुझे अच्छा लगने लग गया, तो मैंने अभी अगली बार मेरी घातक आई इसमें भी मुझे मिलेगा लेकिन फिर मिलने बंद हो गए। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जब अवार्ड के फंक्शंस होते हैं उसमें आप स्टेज पर डांस करते हुए नजर नहीं आते नहीं, खैर अभी मैं अगेन यू नो फिर बोलेंगे मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूट ऑफ अवार्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बट उसकी अहमियत अभी वैसे रही नहीं है, यू नो कि कैसे भी किसी को भी कुछ भी मिल सकता है, और तो वो उसका स्वाद नहीं है, यू नो किसी ने कैसे करके ले लिया फिर बोलेगा देखा मुझे मिल गया, और उसको खुद को पता है कैसे मिला, नॉट बिकॉज ऑफ योर जॉब, वो वर्क जो आपने किया है, बट देन लोग खुश हो जाते हैं उसी में, तो फिर सनी लगता है सबसे बड़ा अवार्ड तो आपको जो जनता का प्यार, जनता देती है, यही तो है, इससे बढ़कर अवार्ड क्या है। इसलिए जब भी फिल्म करता हूँ तो मैं हमेशा वही, बिकॉज मैं भी खुद जनता ही हूँ, जब मैं पिक्चर देखता हूँ तो मैं उसमें खो जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिल्में भी वैसी हों जहाँ हम लोग जाएँ दो घंटे के लिए खो जाएँ, हमें रियलिटी नहीं चाहिए उधर, बिकॉज रियलिटी तो हमारी तरफ है और बहुत सिरदर्द देती है रियलिटी, हम वहाँ अपने आप को खोने के लिए जाते हैं, इन्जॉय करने के लिए जाते हैं दो तीन घंटों के लिए, तो सिनेमा मैं हमेशा वही समझता हूँ। फिर हम बात करते हैं क्रिटिक्स की, मैं बोलता हूँ मैंने फिल्म क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाई, मैंने जनता के लिए बनाई है, क्रिटिक्स को जिसको जो बोलना बोलता रहे, हमें उसे क्या लेन देना, बिकॉज वो कभी पिक्चर को उस तरह से पिक्चर की तरह देखते नहीं है, जैसे आप किसके पास भी चले जाओ सलाह लेने तो उसको पता है मेरे को इसको सलाह देनी है, मेरे को इसको बताना है क्या है तो होता ही ऐसा है। सनी, जैसे आप कहते हैं कि आपकी फिल्मों में लोग खो जाएं, मैं कहूँगा आपकी अदालत में जैसे जवाब दिए उसमें भी लोग खो गए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज रुचिका मेहता का फैसला आज के मुकदमे। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्वासारी वटी श्वासारी गोल्ड व श्वासारी प्रवाही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। दादा दादी नाना नानी की इच्छा होती है वो भी बच्चों के साथ खेले और खुद बच्चों जैसे ही रहें, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस वक्त से पहले ही व्यक्ति को बूढ़ा और कमजोर बना दे। योग, आयुर्वेद, प्रकृति और संस्कृति से जुड़कर के सदा कैसे रहें जवान और लाइफस्टाइल डिजीज को कैसे करें बाय बाय, ये मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर। उम्र बढ़ेगी, बीमारी दूर रहेगी, जरूर देखिए सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार, क्या विपक्ष लेगा आकार,
या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपर फास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपर फास्ट खबरें। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक व्हील्स देखने के लिए वेलकम बैक। आपकी अदालत में आप जिन्होंने मुकदमा चलाया सनी देओल पर, उनसे पूछा उनकी फिल्म गदर के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके गुस्से के बारे में और उनकी गैर जिम्मेदारियों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज रुचिका मेहता के फैसले का। राजा जी, आपके सारे सवालों ने गदर मचा दिया और सब बेताबी से आपके सवालों के जवाब सुनने के लिए बेताब थे। आपके ऊपर जो सबसे पहले आरोप लगा था कि आप एरोगेंट हैं, वो तो आपने सवाल जवाब होने से पहले ही उसको आपने यू प्रूव्ड इट रॉन्ग। जो आप इमोशनल हो गए और जिस तरह आपने अपने सबका हम सबका दिल वहीं से बहला लिया, एरोगेंस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देयर वाज अ स्टार्ट। दूसरा आरोप था यू आर एन एंग्री यंग मैन, आई विल स्टिल कॉल यू अ यंग मैन। आप यंग दिखते हैं और हमेशा दिखते रहेंगे। वो आरोप भी कहीं से आपके ऊपर लाजिम नहीं होता, क्योंकि मैंने जो देखा, जो सीन्स दिखाए, जो मूवीज देखी, आपका गुस्सा कम और जोश ज़्यादा है, तो वो जोश है आपका। शायद बेशक वो रोमांस में हो या आपके वो प्यार भी आप जोश से करते हैं। और तीसरा था अनग्रेटफुल, ये इंडस्ट्री तो कभी किसी की ग्रेटफुल नहीं रहेगी, जिसकी हिट हुई फिल्म वही ग्रेटफुल है आज। मे बी द इंडस्ट्री डिडंट गिव यू योर ड्यू, पर ये जो आपकी गदर ट्रू ने गदर मचा दिया, उसने सबका मुंह बंद कर दिया। ये अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि सनी देओल इसी तरह से हिट फिल्में देते रहेंगे, अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतते रहेंगे और नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आपकी अदालत के बाद आइए अब देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। यूक्रेन युद्ध को लेकर G20 के डिक्लेरेशन में बहुत बड़ा ऐलान, रूस और यूक्रेन